माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पाथ में करते हो। मैं एक दोस्तों आपके लिए लेकर आया बहुत बड़ी अपडेट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार फॉरेस्ट का रिक्रूटमेंट 2020 की। इसका नोटिफिकेशन आज की डेट में रिलीज़ हो चुका है। वैकेंसी की बात करूँ तो 484 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन आपकी 12th है और ये ऑल इंडिया जॉब्स है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आज इसके बारे में फुल डिटेल्स में फुल नोटिफिकेशन बात करने वाले हैं आइडिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, पल पल के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे। माय डियर, इसका नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूँ इसकी जो स्टार्टिंग डेट है, कब से ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है, आज की डेट से ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। इसकी लास्ट डेट की बात करूँ तो 4 सितंबर है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मोर देन 1 मंथ का टाइम है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी हाल फिलहाल मैंने बता दी है, 484 वैकेंसी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे माय डियर, आप इसकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। ठीक है ना, इसका आपका फुल नोटिफिकेशन जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी फुल कैटेगरी वाइज इसकी वैकेंसी देख सकते हैं। टोटल तो 484 ही है, बाकी आपकी कैटेगरी वाइज अलग अलग वैके। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं माय डियर। आपकी एज काउंट होगी ना 1 जनवरी 2020 तक होगी। 1 जनवरी 2020 तक आपकी एज अगर इसके मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में आती है, उतने तक आती है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखिए, 1 जनवरी 2020 तक ही आपकी एज काउंट होगी। ठीक है माय डियर, अब हम आगे इसके थोड़ा और देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आप इसमें क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 12th तो होना ही होना चाहिए, मिनिमम 12th क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। इसमें ये बोला हुआ है कि आप जो एज डालोगे इसमें फॉर्म भरने के साम टाइम पर आप जो एज डालोगे वो आपके 10th की मार्कशीट से मैच करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो इसमें एज मांगी हुई है, मिनिमम एज है 18 और मैक्सिमम 23। ठीक है, और इसमें ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। ये थोड़ा अच्छा है तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। अब हम आगे माय डियर चलते हैं तो देखिए, इसका जो प्रोसेस रहने वाला है एग्ज़ाम का वो 3 स्टेज में रहेगा। सबसे पहला आपका रिटन होगा, ठीक है, दूसरा आपका फिजिकल होगा, तीसरा आपका मेडिकल, और साथ में मेरिट बनेगी। तो ये है, तो सबसे पहले हम इसके फिजिकल की बात कर लेते हैं। हालांकि ये दूसरा स्टेज है लेकिन इसमें पहले दिया हुआ तो हम इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट मांगी हुई है, जनरल के लिए 165 और जो हमारी रिजर्वेशन है वो 160 है। इसमें जो चेस्ट रहता है, चेस्ट 81 होनी चाहिए जनरल के लिए, और बाकी मतलब जिसका रिजर्वेशन है ओबीसी एससी एसटी के लिए 79 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन दोनों के लिए होना चाहिए। और जो इसमें पैदल चलने की क्षमता, मतलब एक तरीके से दौड़ ही रहती है, मतलब एक तरीके से पैदल ही रहता है, 4 घंटे 25 किलोमीटर आपको चलना है। ये आपको टास्क दिया जाएगा, जो आप अगर आप कर लेते हो इसको तो दोस्तों आप क्वालिफाई कर लोगे, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये मेल के लिए था। अब हम फीमेल की बात करते हैं माइट, तो देखिए न्यू जो मिनिमम हाइट है 155 रिजर्वेशन के लिए और 160 आपकी रहती है सब बाकी जो जनरल के लिए। इसमें पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में 14 किलोमीटर है और सबके लिए मतलब सारी कैटेगरीज के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर ये फीमेल्स के लिए। अब हम बात करते हैं माई डियर रिटन एग्ज़ाम। देखिए रिटन एग्ज़ाम में क्या है, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा तो टोटल पेपर आपको 400 नंबर का हो गया। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 होगी। ठीक है, जो आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 4 पार्ट में डिवाइड रहेंगे, 1, 2, 3, 4, वो देख लेते हैं हम 4 पार्ट माय डियर। देखिए जो पहला पार्ट रहेगा उसमें आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी 30 क्वेश्चन आपका हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट इशू, ये हो गया 30 क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, पार्ट टू में जो रहेंगे 25 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 10th लेवल की जो मैथमेटिक्स रहती है ना, आप हाई लेवल का मत समझ लेना कि प्रॉफिट लॉस, 10th लेवल का, ठीक है, 10th लेवल की, और मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएंगे। थर्ड जो पार्ट आता है आपका जीएस, बायोलॉजी प्लस एनवायरमेंट, जिसके 25 क्वेश्चन आएंगे। इसका जो पार्ट फोर है वो उसमें जनरल हिंदी आएगी आपकी, जिसके आपके 20 क्वेश्चन होंगे। तो ये आपके 100 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा तो पूरा पेपर आपका 400 नंबर का हो गया। ठीक है, इसमें जो हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं माइडिया, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ लिखी हुई है 1/3, 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ये आपका जो एग्ज़ाम होगा माइडिया ऑफलाइन एग्ज़ाम है,
मतलब कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, ठीक है। ऑफलाइन होगा, ओएमआर सीट आपको दी जाएगी एग्ज़ाम पे, मतलब आपको पूरा पेपर दिया जाएगा, ओएमआर सीट आपको फिलअप करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपके देखिए मिनिमम मार्क्स दी हुई है, मतलब आपकी गवर्नमेंट की तरफ से ये मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, इतने तो आपके मिनिमम आना ही चाहिए, बाकी कट ऑफ आपका जो जाता है वो तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ये आपके मिनिमम कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा, तो देख लेते हैं। देखिए फॉर्म अप्लाई की बात करते हैं, तो दोस्तों आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। अब हम फीस की बात करते हैं, तो देखिए जनरल कैंडिडेट और ओबीसी के लिए 450 रुपये फ़ीस है, और उसके बाद SC ST और फीमेल के लिए 112 रुपये है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, जनरल ओबीसी के लिए 450 और SC ST और फीमेल के लिए 112 रुपये, ठीक है। तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आए आपको फॉर्म अप्लाई करते समय, तो आप प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। बाकी वैसे भी आपको ये पूरा PDF आपको इसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों हम एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि इसकी जो लास्ट डेट है, हालाँकि मैं आपको बता चुका हूँ कि 4 सितंबर, 4 सितंबर इसकी जो लास्ट डेट है, फॉर्म आज से अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों ये था आज का फुल नोटिफिकेशन, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद।